फ्रेंड्स, पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप एकदम अच्छे होंगे। तो आज मैं एक अलग रेसिपी लाई हूँ और जिसको ठेकुआ कहते हैं। तो आइए आज इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने इसके लिए क्या क्या सामग्री ली है। ये देखिए, इस कटोरी से हमने एक कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है और अब हम इसे इसमें पलट देते हैं। ये हम देखिए, इससे आधी कटोरी हमने बेसन ले लिया है, इसे भी डाल देते हैं। और इस कटोरी से हमने एक कटोरी चीनी पीसी थी, ये देखिए चीनी है, इसे भी डाल देते हैं इसमें। बस पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। ये देखिए, ये गरी का बूरा है 2 चम्मच, इसे भी हम डाल देते हैं। और ये देखिए, एक कटोरी घी है। आप घी के जगह पे रिफाइंड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाद में कोई थोड़ा सा अंतर आता है, घी से थोड़ा और अच्छा बनता है और स्वाद भी अच्छा आता है। अगर घी नहीं है तो आप रिफाइंड भी ले सकते हैं। और अब हम इन्हें पहले मिक्स कर दें सूखे में, उसके बाद घी डालते हैं। ये देखिए, मिला दिया हमने इसे। अब हम इसमें बीच में ही गड्ढा कर देंगे थोड़ा सा। मैंने सारे ठेकुआ बना लिए हैं, अब चलिए इसे तलते हैं। ये देखिए, हमने गैस पे कढ़ाई को रख दिया था, तेल डाल दिया था, तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। जब तक हम ठेकुआ को बना रहे थे तब तक तेल को हमने रख दिया था। अब हम इसमें एक एक करके डाल देते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे डाल देंगे हम इसमें। बस ज़्यादा नहीं डालेंगे और आँच को अब हम मीडियम कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये अच्छे से अंदर तक पकेगा। आँच को मीडियम कर देंगे, धीरे धीरे इसको पकाएंगे अब। ये देखिए, अब ठोकवा हमारा एक तरफ से हो गया है, तो अब हम इसे धीरे धीरे पलट देते हैं हल्के हाथों से। ये देखिए, एक तरफ से सीख चुका है अच्छे से, अभी हम सबको पलट देते हैं। पलट देते हैं, फिर इसके बाद इस तरफ से भी अच्छे से हो जाए। ये देखिए, हमने पलट दिया सबको। ये देखिए, अब दोनों तरफ से अच्छे से हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये मोयन इसमें इतना अच्छा पड़ा है कि अपने आप देखिए सारे ठेकुआ जो है वो फट गए हैं। इसमें इतना अच्छा मोयन पड़ गया है कि आप ये देखिए, इसको एक बार बना कर जरूर देखिए और कितना स्वादिष्ट होगा। कि ये एक बिस्किट हम लोग सेक कर बनाते हैं और एक समझिए ये तल कर बना है, तो ये भी एकदम उसी कुकीज़ की तरह ही आपको लगेगा। तो ज़रूर एक बार इसको बनाइए इसी तरह से, और बिस्किट खाना फिर छूट जाएगा। जब ये घर में बनेगा तो बच्चों को भी पसंद आएगा और ये नुकसान भी नहीं करेगा। तो अब हम इसे धीरे धीरे निकाल देते हैं। चलिए अब एक एक करके इसे निकाल लेंगे सर धीरे धीरे, क्योंकि टूट भी जाएगा। ये देखिए, हमने उसको निकाल लिया। अब हम दूसरी बार वाला डाल देते हैं। अब इसे भी उसी तरह से पका लेंगे अच्छे से। बस अब इसमें भी इतना डाल देते हैं। ये देखिए, हमने सारे ठेकुआ को तल लिया है और अच्छे से सब तला गया है। ये देखिए, सारे ठेकुआ इसी कलर में आप भी निकालिएगा। और बिना सांचे के ही हमने देखिए इस पर फोक से ही डिजाइन बना दी है। ये देखिए, तो आप वो डिज़ाइन का कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। आप स्वाद से मतलब है, तो आप अगर सब चीज़ इसमें सही से पड़ा तो स्वाद का हमको देखना है, और डिज़ाइन ना बने तब भी कोई बात नहीं है। अगर फोक है तो आप फोक से बना दीजिए और एक बार इसी तरह से बनाकर ज़रूर खाएं ठोकवा और बताएं कि कैसा बना है। ये देखिए, हमने 10 मिनट में इतना सारा ठोकवा बना दिया है, खस्ता एकदम, तो एकदम कुकीज की तरह ये लगेगा। तो एक बार इसको बनाइए और खाइए। और हमारी मेहनत अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से बोल रही हूँ फ्रेंड्स, हमारे ठेकुआ को ज़रा सा भी आप पसंद किए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर कल मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।